रावण के बारे में कौन नहीं जानता। रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक असुर और एक घमंडी इंसान की छवि बनती है। वैसे तो आपने रावण के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और आप रावण के बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में रावण के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही आपने रामायण में सुना होगा। ये तथ्य आपके मन में रावण के प्रति जो छवि बनी है उसे बदल देगी, क्योंकि रावण के बारे में यह अच्छाइयां बहुत कम ही लोगों को पता है। सो लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना ताकि इस चैनल से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। नंबर 10, आप सब जानते होंगे कि रावण के 10 सर थे, लेकिन क्या आप सब इसके पीछे की कहानी जानते हैं? रामायण के कुछ संस्करणों के अनुसार रावण की माँ ने उन्हें 9 मोतियों का हार दिया था, जिसे पहनने के बाद रावण को देखने वाले को एक ऑप्टिकल भ्रम हो जाता था कि रावण के 10 सर हैं। रामायण के कुछ अन्य संस्करणों में यह भी बताया गया है कि शिव जी को खुश करने के लिए रावण ने अपने सर के 10 टुकड़े कर लिए थे। इनकी भक्ति से खुश होकर शिव जी ने हर एक टुकड़े को एक नए सिर में बदल दिया था। नंबर 9, रावण ब्राह्मण और राक्षस दोनों थे। रावण ऋषि विश्रवा के पुत्र थे जो एक ब्राह्मण थे। ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था जो एक राक्षसी कुल से बिलोंग करती थी। यही वजह है कि रावण के पास बचपन से ही ब्राह्मणों जैसी बुद्धि और राक्षसों जैसी शक्तियां थी। नंबर 8, श्रीलंका के इतिहास में सबसे कुशल और बुद्धिमान राजा रावण ही थे। ये बातें इतिहास में लिखी गई हैं कि रावण के शासनकाल में ही श्रीलंका की प्रजा सबसे कुशल और समृद्ध रही थी। रावण ने सभी के घरों को सोने में बदल दिया था, इसलिए लंका को सोने की लंका भी कहा जाता है। नंबर 7, रावण के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ बाहर से ही राम जी के शत्रु थे, वो अंदर से राम जी के भक्त थे। रामायण के अनुसार रावण श्री राम के हाथों ही मृत्यु प्राप्त करना चाहते थे ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके, इसलिए उन्होंने सीता माता का अपहरण भी किया था। नंबर 6, क्या आप सब जानते हैं कि रावण को यह नाम शिव जी से मिला था? यह तब हुआ जब रावण शिव जी को लंका में लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था, लेकिन शिव जी ने पर्वत पर अपना एक पैर रख दिया जिससे रावण की उंगलियां पर्वत के नीचे ही दब गईं। तब रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम का प्रदर्शन शुरू किया जिससे शिव जी प्रभावित हुए और रावण को यह नाम दिया। रावण का अर्थ होता है जो व्यक्ति जोर जोर से दहाड़ता है। नंबर 5, पुष्पक विमान एक ऐसा विमान था जिसे दुनिया में कुछ ही लोग चला सकते थे और रावण ने अपने दम पर इसे चलाना सीख लिया था। रावण के पास ऐसे कई विमान थे और इसको उतारने के लिए हवाई अड्डे भी थे। रावण के पास जो पुष्पक विमान था वो उनके भाई कुबेर का था जो उनका सौतेला भाई था। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण की पूजा श्रीलंका में तो होती ही है, पर भारत के साउथ के राज्यों में भी रावण की पूजा होती है। हर साल दशहरे के दिन रावण को जला दिया जाता है, पर खानपुर में एक कैलाश मंदिर है जहां दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में रावण की 210 फीट ऊंची मीनार भी बनी हुई है जिसे लंका की मीनार के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण और कुंभकर्ण विष्णु जी के द्वारपाल के अवतार थे। जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। एक बार ब्रह्मा जी के 4 कुमार भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए। जय और विजय ने उन्हें शरारती बच्चे समझकर बाहर ही रोक लिया। थोड़ी देर बहस करने के बाद कुमारों को गुस्सा आ गया और कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया कि वो भगवान विष्णु से अलग हो जाएंगे और धरती पर भगवान विष्णु के दुश्मन बन जाएंगे। नंबर 2, रावण को उनकी मृत्यु के लिए बहुत से लोगों ने उन्हें श्राप दिया था। रावण जब पूरे संसार पर कब्जा करने के लिए निकले थे तब वो राम जी के पूर्वज रघुवंश अनर्नेय से मिलते हैं। उस समय अनर्नेय और रावण में एक बहुत ही घमासान युद्ध होता है जिसमें अनर्नेय पराजित हो जाते हैं। युद्ध में मरने से पहले अनर्नेय रावण को श्राप देते हैं कि उन्हें मारने वाला अनर्नेय के वंश से ही कोई होगा। इसके अलावा जब रावण कैलाश पर्वत पर जाते हैं तब वो नंदी को बंदर के मुंह वाला करके बहुत बेइज्जती करते हैं। तब नंदी भी उन्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारी लंका कोई बंदर ही खत्म करेगा। नंबर 1, रावण इतिहास के सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण थे। रावण को कला और संगीत में बहुत ही रुचि थी। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता
अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत लंकेश्वर, रक्ष संस्कृति, इन सभी की रचना रावण ने ही की थी। रावण को संगीत में बहुत ही रुचि थी। रावण को वीणा बजाना बहुत ही पसंद था। रावण एक बार किसी चीज को पढ़ने के बाद हमेशा के लिए उसे याद कर लेते थे। रावण ने रावण हत्या वाद्य यंत्र, मधुमक्खी यंत्र, जिससे दूर तक बात किया जा सकता था, इन सब का आविष्कार रावण ने ही किया था। लंका में यांत्रिक सेतु और यांत्रिक द्वार और कुछ यांत्रिक चबूतरे भी मिले हैं, जो बटन दबाने पर ऊपर नीचे होते हैं। ये शायद लिफ्ट थे। इन सभी का आविष्कार भी रावण ने ही किया था। रावण चाहे कितने भी बुरे थे, पर उन्होंने काफी अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। वो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जब राम जी रावण को मार देते हैं, तब वो उन्हें एक बुद्धिमान ब्राह्मण कहकर बुलाते हैं। राम जी लक्ष्मण को रावण के पास जाकर बैठने के लिए भी कहते हैं, ताकि लक्ष्मण जी को रावण से कुछ शिक्षा मिल सके। हमें भी रावण से कुछ सीख लेनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।